नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ द डिस्कशन फॉर DU LLB 2020। इफ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट वन एंड पार्ट टू, प्लीज डू सो। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41। अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। बड़ा ही यू कैन से सॉर्ट ऑफ अ रिडल लाइक क्वेश्चन है ये, जो कि है तो एक्चुअली सिंपल, बट काफ़ी लोग फंस गए थे। पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी, हेल्थ, अदर provisions ऑफ पार्ट थ्री। पार्ट थ्री कौन से हैं जी? फंडामेंटल राइट्स में। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि हमें ज़रा ये देखना है कि आर्टिकल 25, मैंने ऑलरेडी पहले से बेर एक्ट खुली हुई है, सो दैट वी डोंट एंड अप यू नो स्पेंडिंग टाइम इन स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन। सो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अगले साल के लिए आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ऐसे ही तीन ऑप्शंस आपको बना के दिए जा सकते हैं और एक सवाल यहाँ से निकाला जा सकता है। सब्जेक्ट टू क्या था जी? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। क्या शब्द है जी? पब्लिक ऑर्डर, गिव मी वन सेकंड, क्या शब्द है ये? पब्लिक ऑर्डर, करेक्ट, होपफुली दिख रहा हो, पब्लिक ऑर्डर। आइए जरा वापस चलते हैं। यहाँ पे क्या था जी? पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, ये कि लास्ट वाला स्टैट्यूट जरा देख लें हम। टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, राइट? विच पार्ट इज दिस? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंकल ने हमें क्या बोला? अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट थ्री। सो ही इज बेसिकली the examiner, that is referring to the Bear Act, and Bear Act is the माता पिता इन लॉ। जज साहब को इन्हीं की सुननी है, मोदी जी को भी इनकी सुननी है, एग्जामिनर को भी इनकी सुननी है, आपकी कोई किताब बीच में नहीं आएगी। तो लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यूड हेयर एज वेल कि नहीं जी, पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू पब्लिक ऑर्डर। आपके कहने से क्या है या मेरे कहने से क्या है? माता पिता कौन है लॉ में? Bear Act। Bear Act में जो शब्द दे रखा है वो उसी की टेस्टिंग कर रहा है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग की टेस्टिंग अभी यहाँ पे नहीं हुई, वो लॉजिकल रीजनिंग वाले में डिडक्शन का सेक्शन आएगा। करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर देयरफॉर इज बी सी एंड डी, एंड द करेक्ट आंसर आ गया आपका बी सी एंड डी। ओके, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज एम्बॉडीड इन, दिस इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन DULLB वाली प्लेलिस्ट जो है। I'll just put the question here. This was Article 20. We have already discussed this, but let me take you to the Bear Act and show you where this is. Everything and every answer will be found in the Bear Act. You can pretty much skip all books to find this. No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offense. Iska matlab kya hai? What does an ex post facto law means? Meaning, maan lete hain ki aaj aapne 29 December ko, let us say, you slapped someone. And let us presume this, that slapping someone is no offense under Indian law. Presume this. And let us say, आपका 1 जनवरी 2021 को ये लॉ आ गया। सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल बाय द वे ओनली टू क्रिमिनल लॉज। आपको इस दिन तो वो कानून नहीं था ना आपको पकड़ने के लिए, वो नहीं था। सो एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्ट हो चुका, फैक्ट होने के बाद अब हम कोई नया कानून बनाकर आपको यहां पे नहीं पकड़ सकते, बिकॉज अंडर नाउ दिस लॉ, इवन इफ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑन अर्लियर डेट, वी कैन नॉट बेसिकली गेट यू इन, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ हेल होल, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, राइट? तो इस पे देखिएगा, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। द कीवर्ड इज एट द टाइम ऑफ द कमीशन। बाद में नहीं कि आप कानून बना के उस बंदे को पकड़ लें, लेकिन हमने एक को पकड़ा था क्योंकि वो सिविल मैटर है, वो है वोडाफोन का रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वाला केस। सो दिस प्रोविजन, इनफैक्ट दिस प्रोविजन मोस्टली आर नॉट अवेलेबल टू सिविल लॉज, स्पेशली अंडर 20। तो 20 के ऊपर DULLB में प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी वीडियो है फ्रॉम आर ऑनलाइन कोर्स।
सो दैट डिस्कसेस ऑल ऑफ दीज प्रोविजन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जेपडी के बारे में वहां पर डिस्कशन दी गई है, कृपया करके उसको देख लीजिएगा. एंड सी दिस इज वेरी ईजी फॉर मी ऑल्सो टू टेल यू कि हाँ जी बस यही है करेक्ट आंसर. आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ मेथोडोलॉजी एज टू हाउ टू प्रिपेयर एंड इफ यू जस्ट अप्लाई योर माइंड अ लिटिल बिट इन टू द प्ले लिस्ट एंड इन टू दीज डिस्कशंस यू विल प्रीटी मच फिगर आउट अ वे टू प्रिपेयर ऑन योर ओन एज वेल, राइट? सो बिकॉज सेल्फ प्रिपरेशन वाली जनता बहुत सारी है who cannot afford any help and, you know, who is not in a financial or an economic situation to afford the coaching, etc. तो कोई दिक्कत नहीं है. This is how you prepare and this is basically, you can say, my contribution towards you or my help towards you. Go to the DULLB playlist, वहाँ पे mostly सब कुछ मिल जाएगा आपको. Okay, let us select the move tool and come here. अच्छा, तो correct answer was article 20, clause 1 and it is a clause नॉट अ सेक्शन. एनडीटीवी वाली गलती मत करिएगा जो कि वो आपके अनुच्छेद को धारा ही बोल रहे हैं कि धारा 370 हटा दी गई है, वो अनुच्छेद है. तो वहाँ पे उसके आगे क्लॉज बोला जाता है. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर था एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. सॉवरेंस, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, यूनिटी. तो आपके अंदर सॉवरन जी, डेमोक्रेटिक तो पहले थे, सेक्युलर. अब इसको भी देखने का तरीका है बेयर एक्ट से. आइए जरा देखें. ये सब आपको वैसे तो कॉलेज में सिखाया जाता है, लेकिन चलिए हम यहीं पे सीख लेते हैं क्योंकि अब ये भी कॉलेज लेवल एग्जाम पूछ रहे हैं, तो हम भी कॉलेज लेवल तैयारी करके आएंगे. ऐसी क्या बात, राइट? ओके, सी दिस. प्रीएम्बल पे आ जाओ भैया. ओके, प्रीएम्बल पे आ गए. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑलराइट, सारा हमने काम कर दिया. ये देखिएगा, इधर देखिए, आपको ये दिख रहा है जो मैंने अभी सर्कल बनाया. होपफुली दिस इज विजिबल टू यू. लेट मी चेक द कैमरा इफ इट इज विजिबल. या इट इज विजिबल. लेट मी जूम इन टू दिस फर्दर ताकि दिख जाए आपको. एंड लेट मी मेक अ सर्कल नाउ अगेन ऑन दिस. अब दिख रहा है द वन, राइट? नाउ व्हाट इज दिस वन बेसिकली? This is referring to a footnote. Let us see what the footnote is saying. At the very end. Substituted by the Constitution, 42nd Amendment Act, 1976. This is another question. Section 2 for Sovereign Democratic Republic. Yani, 42nd Amendment se pehle kya likha hua tha? Sovereign Democratic Republic. Ab kya likha hua hai? Chalein zara upar. Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. तो क्या क्या फर्क आ गया आप नोट कर लीजिए, उसी पे सवाल है. सिंपल इज दैट. चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे. आसान है ना? तो सेक्युलर. अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल बनता है जो कि हमारे मॉक्स में बड़ी पॉपुलरली तरह से पूछा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज नॉट इंसर्टेड. नेगेटिव क्वेश्चन दे देते हैं. आपको चार टर्म्स में दे दूंगा, 42nd अमेंडमेंट जो जो आई होंगी, और नॉट लगा देंगे. एक कोई फनी टर्म जो कि ओरिजिनली होगी या कोई फनी सा ऑप्शन होगा वो करा देंगे, वो पूछ लेंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन बी इन्वोक टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके जी, देखते हैं क्या बोलता है. सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फिर चलते हैं हमारे भाई बंधु बेयर एक्ट पे. चलो जी, आ जाओ जी बेयर एक्ट पे. हमने जाना है जी आर्टिकल 19 और उसके अंदर हमने जा देखनी है अपना क्लॉजेस, उसके अंदर देखने हैं. बेसिकली क्लॉज 2 से शुरू हो रहा है जो कि किस अमेंडमेंट से आई थी जी? फर्स्ट अमेंडमेंट. ठीक है जी, ये तो आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर सारे राइट्स आपके आ गए, राइट? अब हम आ रहे हैं जी क्लॉज 2 पे. नथिंग इन क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. जरा इसमें मार्क करते चलते हैं. Reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India. Okay. The security of the state. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. Let us go back. क्या है जी? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है. देखें जी, आ गया जी. अच्छा जी,
आ गया ये तो। अब देखते हैं कि क्या सीन है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स है, देखें जरा, देखो जी देखो यार, ये तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, क्लॉज टू के अंदर था। फ्रेंडली रिलेशन विद सॉवरन स्टेट्स, जी बिल्कुल है जी, ये रहा। दो नंबर भी आ गया जी हमारे पास, वेल डन। अब जरा तीसरे पे चलते हैं, ये तो दोनों आ गए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ओके जी, बड़ी अच्छी बात है जी। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट आ गया जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ गया। तो हमारे बंधु क्या कह रहे हैं, ए बी एंड डी ओनली, ये आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन ओवरटर्न हुआ होगा, तभी सबके नंबर बढ़े थे, चार चार नंबर सबको दे दिए गए थे। तो अगर आप मतलब बेसिकली जिन्होंने एग्जाम लिया था ऑफ कोर्स, तो उनको सबको चार चार नंबर बढ़ा दिए गए थे। तो इसके आंसर की इस क्वेश्चन के लिए फॉर श्योर गलत है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, इन्होंने गलती से, हो जाती है गलती भाई, सबसे होती है, हमसे भी होती है, इनसे भी हो गई, कोई बात नहीं। अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसके बाद वाले पे। विच इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू कॉमन इंटेंशन अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब ये बहुत टेढ़ा सवाल है, ये बहुत हाई लेवल सवाल है, मेरे जैसे आदमी को भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि अरे देखो, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एन एलएलएम लेवल और अ जुडिशरी प्रीलिम्स का सवाल, इतने लेवल पे ये सवाल है। विच इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कॉमन इंटेंशन अंडर द इंडियन पीनल कोड। सो द करेक्ट आंसर इज मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। और इसको मुझे समझाते समझाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब मैं समझा तो बहुत अच्छे से सकता हूँ इसको, बट इसमें मुझे चार पांच सेक्शन आईपीसी के उठाने पड़ेंगे और ये वीडियो बन जाएगा बहुत लंबा। तो एक काम करते हैं कि इस पे क्वेश्चन नंबर 45 पे आगे एक वीडियो बनाते हैं, प्लेलिस्ट में डाल देंगे डेडिकेटेड तरीके से। लेकिन अभी हमने आईपीसी ऐसे छोड़ नहीं रहे, अगले सवालों में आईपीसी की बैराक मैंने ऑलरेडी खोली हुई है, बट इसमें मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, और जो कि फिर तो ये वीडियो इसी क्वेश्चन पे जाके अटक जाएगा। तो इसलिए फिर अभी आगे देखते हैं इसको, सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, ठीक है जी। अब आप बैराक टटोलिए आईपीसी की, आ जाओ जी देखते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपने जजमेंट्स कभी पढ़ी हो या पढ़ के आपने जानी है डीयू के पेपर में, एडल्ट्री तो जी जोसेफ शाइन वाले केस ने वैसे ही डीक्रिमिनलाइज कर दी थी। ये जजमेंट है, इसका नाम लिख लीजिए जोसेफ शाइन, और इसका पूरा नाम वर्सेस, गूगल पे होमवर्क आपके लिए, देखिए इसके आगे क्या लिखा है। मिल जाए तो हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा, राइट। मैरिटल रेप काफी जनता यहाँ पे मार्क करके आई थी, स्टॉकिंग तो क्राइम है ही है, और ये कह रहा है बोथ मैरिटल रेप एंड स्टॉकिंग। एडल्ट्री का तो इन्होंने आपके साथ ट्रिक खेल दी, अगर आपको जजमेंट नहीं पता हो आपने एडल्ट्री भी मार्क कर दी होगी, मतलब जिन्होंने पेपर लिया होगा, वैसे ज्यादातर कोई नहीं करके गया होगा क्योंकि ये बड़ी कॉमन नॉलेज है। तो मैरिटल रेप अब कहीं पे भी आईपीसी के अंदर आपका नहीं दिया हुआ है। अगर आप, चलिए एक बड़ी आसानी से ट्रिक है इसमें, जरा यहां पे हम टाइप कर लेते हैं मैरिटल, ठीक है जी। अब मैरिटल रेप आपको यहां एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पूरी आईपीसी में कहीं नहीं मिलेगी, नो रिजल्ट्स, दिख रहा है ऊपर, होपफुली इट इज विजिबल, शायद कैमरा से हल्का सा ऊपर हो गया है क्योंकि अब मैं इसको नीचे नहीं ला सकता बिकॉज दिस इज नॉट सेलेक्टेबल, बट नो रिजल्ट्स दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने ऊपर कंट्रोल एफ में डाला है। इसका क्या मतलब है, देयर इज नो डेडिकेटेड सेक्शन फॉर मैरिटल रेप एंड दैट इज व्हाई अंडर द आईपीसी। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि क्या कोई सेक्शन है आईपीसी के अंदर ऐसा जहां में मैरिटल रेप दिया हो, नहीं, लेकिन स्टॉकिंग वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, स्टॉकिंग, ठीक है जी। विच चैप्टर ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद जनरल एक्सेप्शंस, ये तो दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज, 2019 में भी इसका उल्टा सवाल आया था, जनरल एक्सेप्शंस और रादर चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी इज गिवन और रादर प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, तो द आंसर वाज जनरल एक्सेप्शंस इफ आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन करेक्टली। दिस इज चैप्टर 4, दिस इज लाइक द मोस्ट, यू कैन से द मोस्ट ईजीएस्ट सवाल दैट दे कैन एवर आस्क फ्रॉम आईपीसी, चैप्टर 4। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये चैप्टर लिखे कहाँ हुए हैं, ताकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है जी। आइए, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कट कर दिया ताकि, क्योंकि इतनी स्क्रॉलिंग थी उसके अंदर, फिर आप बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अरे क्या हो रहा है,
ये लीजिए चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी के बैरा के अंदर इंडेक्स के अंदर ही दे रखा है, ठीक है जी। और प्राइवेट डिफेंसेस जो इसके अंदर जो जाते हैं वो शुरू हो जाते हैं आपके 96 टू 106 के, ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस। तो अगर अगले साल ये पूछ लिया जाए आपसे कि जी ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस कहाँ से कौन से सेक्शन के अंदर दे रखे हैं, कौन से चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, वो सेम चैप्टर है बट 96 टू 106। सिंपल सा सवाल है, ठीक है जी। अब हम आते हैं वापस अपने बोर्ड पे। When a man inserts to any extent any object or a part of body, not being his penis, into the vagina, I don't think that I need to read all of this penis, vagina or anus. It's basically, practically speaking, rape. Homework for you, you're going to open section 375 in the Bare Act of the IPC to find this very line being told to you that it is defined as rape, right? तो ये substantive offences list आपके पास IPC में मिलती है। Procedural law कहाँ पे है कि अब IPC के अंदर कहीं ये नहीं बता रखा कि FIR कैसे होगी, किस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, जज साहब क्या करेंगे, आपको कैसे पेशीट दी जाएगी, आपको कैसे अपीयर होना है, अगर आपको बेल चाहिए तो क्या होगा, वो कहाँ दिया हुआ है, CRPC के अंदर, प्रोसीजरल एस्पेक्ट। तो IPC सब्सटेंटिव, CRPC प्रोसीजरल। अब हम आते हैं जी इस पे। The doctrine of rarest of rare was established in, ये तो this is a previous year question, ये तो हर कोई रट्टा मार के जाता है, very common knowledge, Bachchan Singh versus State of Punjab, this is a clue for you, judgments जरूर ही जरूर revise करनी है, कम से कम आपके पास 30 से 35 most important judgments की list होनी चाहिए, 20 से 25 इनफैक्ट सारी ही mostly पड़ी हुई हैं चैनल पे, explore कर लीजिएगा आपको मिल जाएंगी वहाँ से। अच्छा जी, mens rea is not a necessary condition for kidnapping। एक्चुअली जब हम किडनैपिंग पढ़ाते भी हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय द वे इन अ DULLB 2020 आंसर की डिस्कशन वीडियो। किडनैपिंग एक्चुअली दिस इज अ जोक ऑल्सो दैट माई प्रोफेसर यूज टू कोट वे बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कि अगर किसी वकील की लड़की जो 11th में है और अगर आप उसको डेट करने चले गए, आपको किडनैपिंग के केस में उठवा लेगा वो भी वापस, मतलब चार्ज करा सकता है। उसका कारण क्या है कि अगर आप किडनैपिंग में जाएं, आपकी इंटेंशन नहीं मैटर करती कि आप डेट पे गए थे या कॉफ़ी पिलाने गए थे, आपने उसके पेरेंट से या गार्डियन से उनकी कस्टडी रिमूव करी, चाहे वो अच्छी इंटेंशन के लिए क्यों ना हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। देयरफॉर मेंस रिया इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर किडनैपिंग। होमवर्क फॉर यू, बेयर एक्ट से किडनैपिंग का सेक्शन एक बार ही देख लीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ आपको ऐसा कोई शब्द मिलेगा, ना इंटेंशनली मिलेगा, ना फ्रॉडुलेंटली मिलेगा, ना डिसऑनेस्टली मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। पढ़िए और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किडनैपिंग इसका आंसर क्यों है, क्योंकि बाकी हर जगह इंटेंशन चाहिए टू मेक इट एन ऑफेंस, बट किडनैपिंग में जैसे ही वकील साहब की लड़की को आप कॉफ़ी पे लेके गए और अगर वो 18 साल से नीचे नीचे हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, और सामने वाले ने अगर आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगवा दिया पुलिस के द्वारा, तो वेल फंस जाएंगे। Because mens rea is not a necessary condition for this offense. Very, very smart question. I have to give it to the examiner. Pata nahi ye kya sochte hain ki LLB entrance mein bachche ko ab first or second sem ka ke basically padhai karke pehle se hi aaye. Shayad inki aim ye hai ki wo pehle wala jo crowd jo SSC wagera ke liye bahut zyada prepare karta tha, wo bahut aasani se nikal leta tha ye paper ek time. तो अब शायद मतलब वो वाली चीज़, अब वो वाली स्थिति नहीं रही, क्योंकि इसके लिए अब आपको कानून बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, इतने डायरेक्ट नहीं है जितने पहले बेयर एक्ट जैसे, वो पब्लिक ऑर्डर वाला भी, पब्लिक इंटरेस्ट वाला उतना उतना सरल क्वेश्चन नहीं है। किया जा सकता है लेकिन सरल मतलब कि जी बिल्कुल जी सहज है जी, बिल्कुल दिख रहा है जी मुझे इसका आंसर क्या है, वैसे वाला सवाल नहीं है। अच्छा जी, द मैक्सिम इग्नोरेंटिया फैक्टिया एक्सक्यूजात, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजात। बोला यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, यही है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लैटिन में ट नहीं होता त होता है, इट एक्चुअली साउंड्स लाइक वेरी हिंदी, इट्स लाइक फाक्ते इग्नोरांतिया, इग्नोरांतिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजात। थोड़ी बहुत इटालियन आती है हमें, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा थे ज़िंदगी में तो इटालियन भी थोड़ी बहुत सीख ली थी। अच्छा जी, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ बेसिकली आपके आपका भी आंसर आ जाएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ जी आपका कोई डिफेंस नहीं है। आगे देख लेते हैं, आ जाओ भैया, इग्नोरेंस ड्यू टू अ वाइडल मेक, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज, दैट इज बेसिकली उन्होंने फ्रेम वैसे किया हुआ। तो आपको अब आप कहें कल को जी रेड लाइट टाप के कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जी रेड लाइट पर रुकना है, वो कहेगा भैया वाह। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ वैसे भी इज नो डिफेंस, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मे बी आपको एक्सक्यूज करा दे, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ सॉरी चलती नहीं है कानून के अंदर।
अच्छा जी, अंडर द इंडियन पिनल कोड नथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर डैश ईयर्स ऑफ एज। आइए सेक्शन 82 देख लेते हैं आईपीसी के अंदर और चलते हैं। आई एम गोइंग टू एडिट द वीडियो सो दैट वी रीच द सेक्शन एंड वी आर बैक। ठीक है ना, नहीं तो वो स्क्रॉल ही होते रहेगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, ये रहा जी आपका एमसीक्यू जी, मुबारक हो। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज एंड दिस इज आल्सो नोन इन लैटिन एज, डोली उठा लो मेरी, मतलब मेरी तो नहीं उठ सकती, किसी की भी जिसकी भी उठे, डोली इन कपैक्स। और अगर आपसे कभी ये पूछ लिया कि वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोली इन कपैक्स गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी, दैट इज सेक्शन 82। ग्रेट, तभी तो 7 है क्योंकि 82 के अंदर दिया हुआ है। तो नथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस, यही है जनरल एक्सेप्शन, यही चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 82 है, उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया है। जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंसेज अच्छे से कर लीजिएगा, को काफी मदद मिलेगी। ओके, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड इज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर ह्यूमंस ओनली, ओनली सेल्फ, सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस ओनली प्रॉपर्टी। आइए जी वापस हमारे माता पिता के पास चलते हैं और चलते हैं सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स। बेसिकली आंसर आपको कहीं 97 के अंदर मिलेगा। एवरी पर्सन हैज अ राइट subject to the restrictions mentioned or contained in section 99 to defend his own body, aap apni body to bachaye, and the body of any other person, mubarak ho, answer aa gaya to achhi baat hai, self and other humans, very very smart questions by the way these are, right, this requires sort of a deeper sort of a study, to universal single wale भाई बंधुओं से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी किताबें अपडेट कर लें, क्योंकि वो जो पुराना वाला जो सामान चल रहा है उसमें अब अपडेशन की ज़रूरत है टू मैच दिस लेवल, राइट। दिस लेवल इज़ आल्सो मैच्ड इन आर मॉक टेस्ट, क्योंकि जो हम खुद ही बैठ के ओरिजिनली बनाते हैं, ओरिजिनली इन द सेंस कि हम लोग लेवल मैच करते हैं दूसरे एग्जामिनेशन से, सब कुछ फिल्टर आउट वगैरह करते हैं उसके अंदर, एंड वी ट्राई टू गेट क्वेश्चंस टू दिस लेवल ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। देखिए मॉक में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर तो वो तकदीर है और नसीब है, उसमें हम क्या त्रिशूल खड़े होकर कहें कि जी हमारे मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आया था, वो सब फिजूल की बात है। लेकिन अगर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे आपने सोचना है, वो आप बेसिकली काम कर सकते हैं। तो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज आएगी DULB की, मोस्ट लाइकली फेब्रवरी एंड में, आउटसाइड ऑफ आर ऑनलाइन कोर्स, इट इज़ ऑलरेडी लाइव, बट वो ऑनलाइन कोर्स वालों के लिए है इस टाइम पे, दिसंबर 20 की मैं बात कर रहा हूँ, और फेब्रवरी 21 में वो just will be available for the general public outside of the, क्या बोलते हैं, outside of the course also. Okay, then we go to, ये हो गया हमारा, X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives you money, नहीं होगा gives him money, he thus induces Y to give him money, here X has committed the offense of एक्सटॉर्शन है। सिंपल सी बात है, आईपीसी में आपके लिए होमवर्क है, मैं बैराग दोबारा नहीं खोल रहा बिकॉज इट गेट्स वेरी बोरिंग अदरवाइज। एक्सटॉर्शन का सेक्शन आप खोलेंगे जो कि आपको 380 की रेंज में मिलेगा, आई थिंक 383 है, चलिए बैराग खोल ही लेते हैं एक बारी, 383 देख लेते हैं जी। जी तो मेरा अनुमान सही था, एक्सटॉर्शन 383, हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, चलिए छोड़िए ये सब हटाओ, हटा दो ये सब एक्सटॉर्शन। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफामेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही डज इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, आपसे कुछ ज्यादा तो अलग तो हमने पूछ नहीं लिया। मोस्ट इजीएस्ट सवाल आई वुड से दैट कैन बी आस्क फ्रॉम आईपीसी, बड़ा स्ट्रेट। अच्छा, इन नवतेज सिंह जोहर केस 55 नंबर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आफ्टर दिस सीरीज आई एम गोइंग टू पुट आउट दैट वीडियो, बेसिकली वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, जस्ट गोइंग टू पुट इट अप, ऑर्डर मैं ठीक कर दूंगा उस वीडियो का। इसके बारे में यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कोटेड द जजमेंट, आई हैव शोन यू वेयर दिस आंसर इज गिवन, और थोड़ा सा कॉन्टेंशियस क्वेश्चन है बिकॉज इट वॉज एक्चुअली सजेस्टेड इन दिस, और उसके अंदर मतलब थोड़ी सी पेचीदगी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कृपया करके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जो कि इन 3-4 वीडियोज़ के जस्ट इमीजिएटली बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका नाम है DULB 2020 आंसर की में, ये 2-3 सवाल ही जो थे जिसपे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गरमाए हुए थे, तो इनको बेसिकली हमने ऑब्जेक्शन, हमने डिस्कशन करी थी कि इस पर ऑब्जेक्शन करनी है कि नहीं करनी है, और शोन द पैसेज ऑफ द बेसिकली द पैसेज फ्रॉम द जजमेंट एज वेल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, सो नो नीड टू, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू
डिस्कस दिस, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली मतलब हम लोगों ने सारा काम किया ही हुआ है, इसमें बार बार वही चीज़ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, ए इन हिज मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल बी, बी हिट्स ए विद एन आयरन रॉड सीरियसली इंजरिंग हिम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बी हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिंस ए इज मैड, बी हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो ए इज मैड। अगेन अगर आपने प्राइवेट डिफेंस की तैयारी करी होगी तो बेसिकली बी इज गिल्टी, तो इसका आंसर ये भैया देंगे हमारे, आपके नो ऑफेंस बिकॉज दैट इज वॉट क्या बोलते हैं प्राइवेट, बी हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन दो ए इज मैड। बैराक खोलिएगा 96-106 में एक इलस्ट्रेशन 1-to-1 आपको मिल जाएगी, सिंपल इज दैट, वहां पे दे रखिए, क्योंकि वो इंटॉक्सिकिटी वाला वहां पे इंसैनिटी के लिए एक सेक्शन है, इंसैनिटी के साथ आप बेसिकली वहां पे काम करेंगे। आई थिंक इट शुड बी, यू शुड बी फाइंडिंग इट इन 98 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऊपर नीचे ही कहीं होगा, 96-106 के बीच में ही होना है, तो कृपया करके उसको वहां से देख लेंगे। The fundamental duties towards environment were imposed on the citizens in the year. This is a very smart way of asking, very very smart way of asking ki fundamental duties, Swaran Singh Committee, 42nd Amendment, you know, the year is 1976. Again, a very tedha not lallu sawal. Thodi si tayari seriously karni hai aur aise sawalon ke bare mein sochne ke liye 3-4 mahine ka samay lagta hai. काफ़ी लोग एक एक हफ्ते में भी एग्ज़ाम निकालते हैं, एग्ज़ाम निकालने के बाद वो आपको ये भी बोलेंगे कि अरे बड़ा आसान, बड़ा ही घटिया सा पेपर है, इसमें क्या है, ये तो बड़े आराम से हमारा निकल गया, तुम्हारा भी निकल जाएगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमता होती है, कईयों का अगर नसीब प्ले आउट कर गया तो पेपर निकल भी जाता है, कईयों का जिनका नहीं करता उनसे जाके पूछिए जो पूरी 6-6, 8-8 महीने की तैयारी करके बैठे हुए थे, उनका नहीं हुआ। तो किसी का एग्जाम्पल फॉलो करने से पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिएगा और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में अपना दिमाग बेसिकली सोचना पड़ेगा, तो हर एस्पेक्ट की आपको 3-4 डिटेल्स याद करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली एक और स्वरूप है, अगर पूछ लेते 42nd अमेंडमेंट वॉज डन और इनएक्टेड इन विच ईयर, दिस इज प्रीटी मच द सेम क्वेश्चन इन अनदर फॉर्म, दूसरे रूप में है, नागिन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा जी, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड BSESR सेट बाय द, नाउ व्हाई इज दिस आस्क्ड, क्योंकि अभी ये सारा BS4 BS6 का पंगा चल रहा था, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मार्क करके आ गए, क्योंकि अगर आपने अखबार में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडिंग, वो ही फंसाने के लिए उसने सवाल दिया था, दिस इज सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड। अगर नहीं है तो आई वुड, मतलब नहीं आता हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चन से दूर रहें एग्जाम में, क्योंकि कभी कभार नहीं पता होती ऐसी स्टार्टिंग जी के, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन है तो दूर रहिएगा, हीरो बनने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप बैठ के भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स थोड़े ना आपको बना के दे, राइट। तो अगर आप वैसे अगर आप दो चीज़ें आप करें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी रह गए अब ये दो, और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, अब लाइफलाइन भी नहीं है KBC की तरह। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पता तो कृपया करके छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनसेस जो नेगेटिव जो लगते हैं वो एक 240 या 230 के अटैम्प्ट को 210 पे ले जाते हैं, तो कृपया करके इन क्वेश्चन से दूर रहें, और इनका कोई आसान इलाज भी नहीं है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड, दिस इज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, डिराइव्ड आउट ऑफ अ करंट अफेयर, विच इज प्रीटी मच द नेक्स्ट वन। द ब्लू फ्लैग इज सर्टिफिकेशन दैट अ बीच, दिस इज अगेन वी हैड डिस्कस दिस ऑन यूट्यूब एज वेल इन वन ऑफ द करंट अफेयर्स वीडियोज, द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वॉज लाइक एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द 2020 एग्जामिनेशन, हमने ये डिस्कशन करी हुई है, एंड दिस इज अगेन हर रैंकिंग जो है, रैंकिंग आजकल एग्जामिनर एक नए ट्रेंड पे चला गया है कि एग्जामिनर सीधा आपसे हिंदुस्तान की रैंकिंग, तो चलिए वो तो एक स्टैंडर्ड सवाल हो गया, वो रैंकिंग, वो जो रिपोर्ट जो आई है या इंडेक्स जो आया है उसमें पूछ लेता है इट इज़ पब्लिश बाय हु, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तो हो गई, अब वो कह रहा है जी दे कौन रहा है जी ये सर्टिफिकेशन, तो इट्स फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रीटी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स की अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी 2020 में तो ये आप क्वेश्चन जरूर मार्क करके आते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिएगा, वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दी DULLB। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलप्ड UNCED इज आल्सो नोन एज द अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992, और अभी इस साल पेरिस अग्रीमेंट के 5 साल खत्म हो गए, तो द क्लाइमेट एम्बिशन समिट वॉज हेल्ड इन जस्ट अभी December 2020, एंड वी हैव कमिटेड, वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पीएम मोदी डिक्लेयर्ड कि 21% तो हमने एमिशंस बेसिकली अचीव कर ही ली हैं ऑफ आर GDP, एंड 33-35% बाई 2030। सी हाउ अ बिग करंट अफेयर इज, राइट। अब ये चीज़, ये जो UNCED, ये जो अर्थ समिट है,
दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ स्टैटिक जीके आई वुड से दिस इज द इजीएस्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान अब मतलब एग्जामिनर घर आके लड्डू तो देखे नहीं जाएगा, एग्जाम हॉल में तो उसने आपको दे दिए लड्डू. 61. Which among the following is an international treaty related to the protection of the ozone layer? Again, very, very standard stuff. Montreal Protocol. इन दो सवालों से आपको ये हिंट मिलनी चाहिए कि कृपया करके पेरिस अग्रीमेंट के बारे में जरूर ही जरूर पढ़ लीजिएगा. पेरिस अग्रीमेंट से दोहा अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा, दोहा अमेंडमेंट से क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से UNFCCC पढ़ लीजिएगा. अब आप कहेंगे कि आप सब आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो फिर हम अपने ऑनलाइन कोर्स वालों को क्या पढ़ाएंगे. सिंपल इज दैट. ठीक है जी, तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काम आपको करने ही करने हैं, राइट. काश हमारा भी YouTube पे ये चैनल थोड़ा ढंग से चलता होता, हम सब भी ये सब डाल देते, सारे के सारा काम करा देते. बट इनके ऊपर स्टडी IQ या ये जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक एक घंटे की सारी रेलेवेंट डिटेल्स के वीडियोस आपके पास पड़े हैं. सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जाइए टॉपिक डालिए, पेरिस अग्रीमेंट एक्सप्लेन, हो जाएगा काम. ऐसी क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या मुसीबत है, सब कुछ आपको बेसिकली मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप अपनी टॉपिक लिस्ट बना लें, राइट. तो ठीक है जी, अब हम यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं एट द क्वेश्चन नंबर 61. लेट अस टेक फ्रॉम 61 टिल 81 और फिर देख लेते हैं जी कितने बचे हैं हमारे पास. सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्योंकि लास्ट वाले इनकी जो नंबरिंग है सीरियल नंबर वो अब P3 पे आ गया है. तो अगले वाले में हम 61 से 86 पे जाएंगे और उसके अगले वाले में हम लोग ये सब सॉल्व आउट कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सॉल्व आउट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन हो जाएगी ख़त्म. एंड होपफुली दिस हैज़ बीन ऑफ हेल्प टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, राइट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इन द पैंडमिक टाइम्स. आप टारगेट कर लीजिए कि दिस क्वेश्चन और दिस एग्जाम विल बी हेल्ड सम टाइम, जस्ट टारगेट बता रहा हूँ. अब ऑब्वियसली कल को भविष्यवाणी ना अंतर्यामी आदमी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास अगर आप एग्जाम की डेट मान के अपनी तैयारी करेंगे तो अच्छे से आई बिलीव कि तैयारी हो जाएगी आपकी, प्रोवाइडेड दैट यू आर स्टार्टिंग इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग दिस, तो जुलाई के आसपास, क्योंकि क्लैट की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, AILET की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, दे आर बैक टू देयर ओरिजिनल डेट्स ऑफ मे. तो अब DU भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा पीछे कर देंगे, राइट. तो 2019 में इनका पेपर जुलाई में हुआ था, यूजली 2020 की नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी वो जून की आई थी. तो अगर मैं जून, चलो एक महीना इनके बस की उतनी नहीं है कि उतनी स्पीड पे काम करें, तो जुलाई में कर लेंगे ताकि इनका सेमेस्टर तो रेगुलराइज होगा, राइट. जुलाई नहीं तो मैक्सिमम अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा पेपर. कोरोना काल में सेप्टेम्बर में तो पेपर ही करा दिया था. तो अगर आप अपनी डेट जुलाई की फिक्स करके चलेंगे, आई बिलीव कि आपका काफ़ी भला हो जाएगा वहाँ से. ठीक है जी, चलो जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. लेट अस कंप्लीट आवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन पेपर. टेक केयर.